साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था। एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉन्डा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे। पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक। जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवीज सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है।
10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग डेट 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज लीड कास्ट एज अ पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज अ पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। और सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही शूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म की एक वेब सीरीज़ भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कन कन स्पीड एगो और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह के मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेस करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें बताइएगा। पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और यूट्यूब पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है, तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर यूट्यूब पर देखने की सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही
लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करती है जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर उस यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी, और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लाइक के कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लाइक के कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लाइक के कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था, और साथ ही साथ ही मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉनर के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे, पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक, जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतनी सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवीज सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं, और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे, और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था, और
रिलीज के साथ साथ मूवी के चार्ज से काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे हैं, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग डे 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कंफर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही शूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कन कन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी पर ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह के मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेस करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की
काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डे शाहरुख खान सर की मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है। और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला, उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जान रखी मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जानर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जनरा आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और यूट्यूब पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है, तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर यूट्यूब पर देखने के सबसे बड़ा चांसेस है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं। क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लाइक के कमेंट करिए और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। तो दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लिख के कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लिख के कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफी ज्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो। क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉनर के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों,
जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को YouTube पर भी सर्च कर रहे थे। पर दोस्तों, इतने लंबे समय तक इस मूवी की YouTube राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक। जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हीरा ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों, मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था। और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे हैं, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था, और अपकमिंग डेट 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। और सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही शूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों, आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज़ भी आ रही है, और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी के लिए काफ़ी
खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छे खासे रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को, आप लोगों में से कन कन स्पीड एगो और इस तरह के जानर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो, कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जनरा की मूवी के अलावा। पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह के मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेस करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जनरा आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और यूट्यूब पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर यूट्यूब पर देखने की सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो, कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो? तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और
काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था, और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी, और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग चेन्नई एक्सप्रेस फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों, हैशटैग चेन्नई एक्सप्रेस फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ हैशटैग शाहरुख खान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था, और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जांडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग ये मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे, पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक, जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हैं, और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे, और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था, और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न
से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे हैं, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग दिन 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही सूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कन्फर्म इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो, कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन्फर्म इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स हैं उन लोगों ने इस तरह के मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेज करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज़ नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था
और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जनरा आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें बताइएगा। पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था, और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोगों ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे, और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने के सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है, और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करती है जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है, और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था, और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करिए ये मूवी, और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। तो दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था, और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉनरा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे, पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक, जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवीज सारी के सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं, और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है।
और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और प्रेम के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था। और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर है जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग डेट 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। और सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही सूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म की एक वेब सीरीज भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कनकन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को
और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह की मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेस करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है, और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है, और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो? सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था, और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था, और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे, और यूट्यूब पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है, तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर यूट्यूब पर देखने के सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है, और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया, तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है। और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो? तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था, और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी, और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा।
साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था। एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जांडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे, पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक। जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हैं, और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे, और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई और एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था, और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर है, जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज़ फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है।
10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी की डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग दिन 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम ये आप सभी को अजय देवगन सर के ही शूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज़ भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कनकन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर से उन लोगों ने इस तरह की मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेज करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोगों ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने की सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही
लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करती है। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर उस यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करिए ये मूवी, और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था, और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉनडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे, पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक, जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हीरा ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवीज सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं, और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे, और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई और एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था, और
रिलीज के साथ साथ मूवी के चार्ज से काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे हैं, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग डेट 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही सूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कन कन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह के मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेस करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की
काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवीज जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला, उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनके जानर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जानर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और यूट्यूब पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है, तब तो आप सभी को फुल HD पर यूट्यूब पर देखने की सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो, कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जानडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों,
जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे। इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग इस मूवी को YouTube पर भी सर्च कर रहे थे। पर दोस्तों, इतने लंबे समय तक इस मूवी की YouTube राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक। जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों, मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था। और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चार्ज से काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से YouTube पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर है, जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था, और अपकमिंग दिन 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही सूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों, आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है, और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को
आप लोगों में से कन कन स्पीड एगो और इस तरह के जानर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो, कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह की मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेस करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जान रखी मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जानर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो? सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोगों ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने के सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रीमियर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करती है। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो, कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो? तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और
काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था, और इतनी इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी, और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लाइक कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। तो दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था, और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जानडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे, पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक, जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवीज सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं, और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवी किरदार और फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे, और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था, और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी
देख चुके होंगे, काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने बेस्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर है जिन्होंने बेस्ट टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीजन से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज़ हुआ था और अपकमिंग 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। और सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही शूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कन्फर्म स्पीड एगो और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो, कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन्फर्म इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी पर ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह के मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेज करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पर्सनली टाइम
मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिजनीस नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जनरा आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें बताइएगा। पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने की सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों YouTube पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। तो दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #शाहरुख खान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉनडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक, जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान
और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हीरा ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी फिल्में के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था। और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन से जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर है जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग दिन 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। और सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही सूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कनकन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी
काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स हैं उन लोगों ने इस तरह की मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेस करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर की मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है, तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने के सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर उसे यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा।
साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था। एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जांडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग ये मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे। पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक। जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतनी सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और प्रेम के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे हैं, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को
इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही शूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है आप सभी को। आप लोगों में से कन कन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जनरा की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स हैं उन लोगों ने इस तरह की मूवी का राइट्स ऑलरेडी परचेज करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जॉनर की मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने के सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम
लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर दोस्तों यूट्यूब पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग चेन्नई एक्सप्रेस फुल मूवी लेके कमेंट करिए और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों हैशटैग चेन्नई एक्सप्रेस फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ हैशटैग शाहरुख खान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉनडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी की रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे, पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक, जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवीज सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था और
रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चार्ज काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे हैं, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर है जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था और अपकमिंग डेट 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज लीड कास्ट एज अ पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज अ पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही सूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म की एक वेब सीरीज़ भी आ रही है और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छी खासी रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कन कन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जॉनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स है उन लोगों ने इस तरह की मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेज करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए,
अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला, उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जान रखी मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जॉनर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा, इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें बताइएगा। पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है, तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने की सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर उसे YouTube पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो, कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है। और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी YouTube सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के हिंदी प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। तो दोस्तों #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ #ShahrukhKhan फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफ़ी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। IMDb पर इस मूवी को 6.1 की काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था, एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जॉनर के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कनकन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज़ के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों
आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और OTT रिलीज के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग इस मूवी को YouTube पर भी सर्च कर रहे थे। पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की YouTube राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और TRP काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक। जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी OTT पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा, फिर टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला, और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था। और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चार्ज काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से YouTube पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे हैं, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज़ फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे हैं, दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और TRP और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों इस तरह की मूवी आप सभी को पसंद है और इन जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास और बेहतरीन रहने वाला है। 10 साल के बाद भी इन मूवीज़ को इतने ज़्यादा लोगों ने सर्च करके देखने को पसंद करना यार, ये सब मूवी को हिंदी प्रीमियर पर लोगों ने टाइम देना काफ़ी अच्छी बात रही है। मूवी के डायरेक्टिंग पर रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स दे गई है। इस टाइम रोहित शेट्टी सर की सर्कस मूवी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, 2022 पर रिलीज हुआ था, और अपकमिंग डेट 2024 पर सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण एज ए लीड कास्ट एज ए पुलिस ऑफिसर कास्टिंग में देखने को मिलने वाली है, जो कि दीपिका पादुकोण को पहली बार एज ए पुलिस ऑफिसर आप सभी को वर्दी में देखने वाले हो, जो कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम रोहित शेट्टी सर ने उनको ही लीड कास्ट में लेकर मूवी बनाया है। और सिंघम अगेन में आप सभी को अजय देवगन सर को कंटिन्यू किया जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। सिंघम नाम है आप सभी को अजय देवगन सर के ही शूट करता है और वही स्टोरी को लोगों ने पसंद कर रहे हैं, जिसके रीज़न से लोग स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी कहानी देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पुलिस यूनिफॉर्म की एक और उनकी यूनिफॉर्म्स की एक वेब सीरीज भी आ रही है, और जिसके लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी खास भी लगने वाला है। इस टाइम लोगों की तरफ ये सब मूवी के बारे में अच्छे खासे रेस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आप सभी को आप लोगों में से कनकन इस वीडियो को और इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हो कमेंट करिए। और पिछले टाइम मूवी के चर्चे और रिलीज अपडेट कहानियाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी देखना पसंद करते हो, इस तरह की हिंदी सिनेमा की
मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करी है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को शाहरुख खान सर की मूवी पसंद है और रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक ये सब मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस तरह के जनर की मूवी के अलावा पिछले टाइम काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स मूवी देखने को मिल गई थी और लोग वो सब मूवी को भी काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम रोहित शेट्टी के डायरेक्टर पर बनी हुई कुछ एक्साइटिंग मूवी और गोलमाल के सीक्वल के अलावा आप सभी को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी और जॉनर की मूवी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो आप लोग इस तरह की मूवी के हिंदी प्रीमियर सिनेमा के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग एक्साइटिंग है इस तरह की मूवी देखने के लिए प्राइम वीडियो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेकर रखिए, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स मिल रहा है, जो कि न्यू ईयर के ऑफर चल रहा है, जिसके रीज़न से लोगों को इस टाइम 24 पर काफ़ी ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मूवी और प्रीमियर मूवी काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो मूवी लवर्स हैं उन लोगों ने इस तरह के मूवी के राइट्स ऑलरेडी परचेज करके रखा है। और आप सभी को इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इस टाइम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवीज़ भी आसानी से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक्साइटेड हो इस तरह की मूवी देखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज शाहरुख खान सर के मूवी जवान और पठान की सीक्वल रिलीज में आने वाला है और डंकी मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड है, जो कि उनकी पॉपुलर मूवी के चर्चे काफ़ी लंबे समय तक हुआ था और राजकुमार ईरानी ने इस टाइम इतनी बड़ी मूवी को अंजाम दिया है और शाहरुख खान सर को पहली बार उनकी लीड कास्ट में लेकर मूवी को बनाया है। और जैसे कि लोगों को पता चला उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवी सुपर सक्सेसफुल रहती है और उनकी जान रखी मूवी को लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी आप सभी को ज़्यादा पसंद है और कौन सी जानर और कौन सी किरदार की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो? सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइएगा। पिछले टाइम मूवी की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गए थे और डिज्नी नेटवर्क और काफ़ी सारे हिंदी सिनेमा की मूवीज नेटवर्क्स ने ये सब मूवी को प्रीमियर करवाया था और लोगों को ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस तरह के जॉनर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, ये सब मूवी आप देखना पसंद करते हो। दोस्तों आप हमें बताइएगा पिछले टाइम रिलीज़ के साथ साथ मूवी के ज़्यादा चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी देखने को मिल गया था और इस टाइम भी आप सभी को एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग ने मूवी के ऑफिशियली OTT प्रीमियर बताना जा रहे थे और YouTube पर इन मूवीज़ को अभी इतना जल्दी प्रीमियर नहीं किया जाएगा। और रोहित शेट्टी की रूमर्स की मानो तो दोस्तों इस मूवी के हिंदी प्रीमियर और सीक्वल्स के रिलीज़ होने की बात चल रही है। अगर दोस्तों ये मूवी सीक्वल पर रिलीज़ होती है और इस मूवी का सीक्वल आ जाता है तब तो आप सभी को मूवी आप सभी को फुल HD पर YouTube पर देखने के सबसे बड़ा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम लोग प्रीमियर के लिए भी और प्रमोशन के दौरान ही लोग इन मूवीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है और लोग उस तरह के मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन मूवीज़ के सीक्वल अगर आने से पहले ही अगर उसे YouTube पर लोगों को आसानी से देखने को मिल गया तो दोस्तों लोग वो सब मूवी को ज़्यादा थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को स्टोरी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और लोग अगर जो मूवी की स्टोरी ज़्यादा लोगों को पसंद है वही लोग देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये सब मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों आप सभी को इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो कमेंट करिए। और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की केमिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इनकी इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो? दोस्तों इस टाइम आप सभी के लिए ये काफ़ी खास और बेहतरीन मूवी रहने वाला है और काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क्स ने इन मूवीज़ के राइट्स लेकर रखा था और इतनी ओल्ड मूवी होने के रीज़न से भी अभी भी यूट्यूब सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी TRP मिल रहा है इन मूवी को। तो दोस्तों आप लोगों में से कन ये सब मूवी को देखना पसंद करेंगे और इंतज़ार करें ये मूवी और हम सब आप सभी को जल्द ही मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #ChennaiExpress फुल मूवी लेके कमेंट करिए और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में शाहरुख खान सर की कौन सी किरदार की मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट करिएगा। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी मूवी के
हिंदी प्रीमियर और रिलीज के बारे में आप सभी का हम जानकारी करवाएंगे। दोस्तों हैशटैग चेन्नई एक्सप्रेस फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा, साथ ही साथ हैशटैग शाहरुख खान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2013 की शाहरुख खान सर की कॉमेडी एक्शन मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। 2013 की कॉमेडी एक्शन मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान सर के साथ दीपिका पादुकोण एज अ लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि काफी सारे लोग को रोहित शेट्टी सर की डायरेक्टिंग मूवी काफी ज्यादा पसंद आता है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहता है मूवी। जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 10 साल हो चुकी है, जो कि इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर पर अमेजन प्राइम वीडियो ने सब्सक्रिप्शन पे कर राइट लेकर रखा था और साथ ही साथ ये मूवी आप सभी को काफी सारे डिजिटल नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाएगा। आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.1 की काफी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिल गया था। एक बेस्ट मूवी कह सकती हो, क्योंकि दोस्तों मूवी के किरदार और जांडा के रिलीज के साथ साथ मूवी के चर्चे काफी लंबे समय तक हो रखा था। आप लोगों में से कन कन चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी प्रीमियर राइट्स के बारे में अपडेट देंगे, इस मूवी के रिलीज के बारे में आप सभी को हम जानकारी करवाएंगे, जो कि आप सभी को ये मूवी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लगने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी अच्छी और बेहतरीन मूवी के हिंदी प्रीमियर और ओटीटी रिलीज के बारे में जानकारी कराएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मूवी को यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे थे। पर दोस्तों इतने लंबे समय तक इस मूवी की यूट्यूब राइट्स लोगों को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के ऑनर्स ने मूवी को फ्री में नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये मूवी के सर्च और टीआरपी काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी तक। जो कि शाहरुख खान सर की मूवी 2023 में 3 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से जवान, पठान और साथ ही साथ इस टाइम डंकी मूवी राजकुमार हिरानी ने लीड कास्ट में लेकर मूवी किरदार बनाया है। पर दोस्तों मूवी जो कि इतने सालों के बाद भी शाहरुख खान सर की मूवी सारी की सारी मूवी ओटीटी पर रिलीज में आ चुका है, उसके बावजूद ये मूवी लोगों को देखना है, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस टाइम मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज में से ये मूवी आप सभी को अच्छा भी लगने वाला है। और दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवी किरदार और प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए। अपकमिंग डेज में इस तरह के मूवी के अलावा काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के बारे में हम आप सभी को जानकारी कराएंगे। और दोस्तों उसके अलावा 2023 बॉलीवुड फैन के लिए सबसे खास डेज बना, क्योंकि दोस्तों इस टाइम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतरीन मूवी देखने को मिला और लोगों ने इस तरह की मूवी देखना अभी भी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक मूवी को इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए, और एक्साइटिंग हिंदी सिनेमा की मूवी लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल गया था। हम आप सभी को और भी ज़्यादा नई एक्साइटिंग मूवी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मूवी तो देखने को मिल गया था और रिलीज़ के साथ साथ मूवी के चार्ज से काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न से यूट्यूब पर इन मूवी को आसानी से देखने को भी मिलने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अपकमिंग डेज में इस तरह की मूवी के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप हमें कमेंट करिए। पिछले टाइम मूवी के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, इसके रीज़न से इस वीडियो के अंदर आप सभी को मूवी के हिंदी किरदार प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान सर की मूवी, जो कि ओम शांति ओम से लेकर लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के साथ इस टाइम उन सभी को आप लोगों ने जवान मूवी और पठान मूवी में भी देख चुके होंगे। काफ़ी सारे लोग को उनकी केमिस्ट्री पसंद आया था, लोगों ने उनकी किरदार पर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी को पसंद भी कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को चेन्नई एक्सप्रेस एक कॉमेडी और रोहित शेट्टी पर डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी के किरदार के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी मूवी ही उनकी नाम पर रहे, जो कि इतने बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले टाइम रिलीज हुई कुछ मूवी को सुपर सक्सेसफुल दिया था और कुछ मूवीज फ्लॉप में हो गई थी। रोहित शेट्टी सर ने इस टाइम चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल को बनाने कंटिन्यू करने के बाद चल रहे, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही थी और टीआरपी और अभी भी इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लंबे समय तक मूवी पॉपुलर होने के रीज़न से लोग इस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करें।